हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ अंजुम शेख, टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दूसेरा, ब्लॉक अभनपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर हाउस? आपके घर में आपका फेवरेट स्थान कौन सा है? सबको अपने घर में कोई एक जगह बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी लगती होगी। किसी को गैलरी में बैठना अच्छा लगता है, किसी को आंगन में, किसी को छत में, या किसी को अपने रूम में। तो बच्चों, आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें एक बच्ची है, उसकी भी एक फेवरेट प्लेस है जहाँ पर वो बैठना पसंद करती है। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, हाफ वे डाउन, लेसन 16 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट द पोएम। हाफ वे डाउन द स्टेयर्स इज अ स्टेयर वेयर आई सिट, देयर इजंट एनी अदर स्टेयर क्वाइट लाइक इट। आई एम नॉट एट द बॉटम, आई एम नॉट एट द टॉप, सो दिस इज द स्टेयर वेयर आई ऑलवेज स्टॉप। हाफ वे अप द स्टेयर्स इजंट अप, इजंट डाउन, इट इजंट इन द नर्सरी, इट इजंट इन द टाउन, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी थॉट्स रन राउंड माई हेड, इट इजंट रियली एनीवेयर इन स्ट्रीट। तो बच्चों, अब हम पोएम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाफ वे डाउन मीन्स आधे रास्ते में। तो इस पोएम में एक बच्ची है जो स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर मीन्स होता है बच्चों सीढ़ी, सीढ़ी में उसका एक फेवरेट प्लेस है, वो सीढ़ियों के बीचों बीच में बैठना पसंद करती है। तो हम पोएम समझते हैं। हाफ वे डाउन द स्टेयर्स इज अ स्टेयर वेयर आई सीट, सीढ़ियों में आधे रास्ते में बीच में एक प्लेस है, जगह है, वेयर आई सीट, जहाँ पर मैं बैठना पसंद करती हूँ या मैं बैठती हूँ। देयर इजंट एनी अदर स्टेयर, वहाँ पर कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है। क्वाइट लाइक इट, इसके जैसी, यहाँ पर ऐसी कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है और इसीलिए मुझे इस सीढ़ी पर बैठना पसंद है। I am not at the bottom, I am not at the top, मैं सबसे नीचे भी नहीं हूँ। बॉटम यानी होता है बच्चों सबसे नीचे, और टॉप यानी होता है सबसे ऊपर। तो मैं सबसे नीचे की सीढ़ी में भी नहीं हूँ, है ना, मैं सबसे नीचे भी नहीं हूँ और मैं सबसे ऊपर भी नहीं हूँ। So this is the stair where I always stop, इसलिए ये वो स्टेयर है, ये वो सीढ़ी है जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ, ना सबसे नीचे ना सबसे ऊपर। हाफ वे अप द स्टेयर्स इजंट अप, इजंट डाउन, सीढ़ियों के बीच की वो जगह या वो सीढ़ी जहाँ पर ये बच्ची बैठती है, इजंट अप, ना ही वो ऊपर है, इजंट डाउन, और ना ही वो नीचे है, अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे। इट इजंट इन द नर्सरी, इट इजंट इन द टाउन, ये ना तो नर्सरी में है और ना ही टाउन यानी शहर में। नर्सरी मीन्स बच्चों के खेलने का कमरा, तो बच्चों का प्ले स्कूल, ये ना तो नर्सरी में है और ना ही ये शहर में है। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी थॉट्स रन राउंड माई हेड, और क्या कहती बच्ची कि जितने भी प्रकार के फनी थॉट्स, यानी कि मस्ती या मजाकिया भरे जो विचार हैं, वो सब मेरे दिमाग में आते हैं। इट इजंट रियली एनीवेयर इन स्ट्रीट, एक्चुअल में ऐसी कोई सीढ़ी है ही नहीं, ये इस बच्ची की इमेजिनेशन है, कल्पना है। वो कहती है उसे टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन में मज़ा नहीं है, उसे ऊपर या नीचे
में भी बैठना पसंद नहीं, उसे बीच की स्टेयर पसंद है। मतलब ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है, यह इस बच्ची की सोच है, उसकी इमेजिनेशन है कि उसे बीच का जो स्थान है वो बहुत पसंद है। एक्चुअली हम और बच्चे जो है, हम ये सोचते हैं कि जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, इन सब में खुशी होती है, पर खुशी जो होती है वो इन सब में नहीं होती है। इसीलिए इस बच्चे की कल्पना जो है कि उसे बीच की स्थिति में बहुत आनंद आता है और उसे बीच के स्टेयर में बैठना बहुत पसंद है। ओके चरण, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, फनी यानी कि मजाकिया, थॉट्स विचार, रन राउंड माई हेड सर से गुजरना, इंस्टेड के स्थान पर। होप आपको पोयम समझ में आई होगी। बच्चों, आप जो छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं उस पर ही ये पोयम बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज आई रिफर टू इन द पोयम? पोयम में आई किसके लिए रिफर हुआ है? आई रिफर्स टू द यंग गर्ल इन दिस पोयम, उस नन्ही बच्ची के लिए आई जो है वो रिफर हुआ है। वेयर डज द चाइल्ड सिट, वो बच्ची कहाँ बैठती है? द चाइल्ड सिट्स हाफ वे डाउन द स्टेयर्स, बच्ची सीढ़ियों पर बीच में बैठती है, बीच की सीढ़ी में बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द चाइल्ड लाइक टू सिट देयर, बच्ची वहाँ पर बैठना क्यों पसंद करती है? द चाइल्ड लाइक टू सिट देयर बिकॉज इट इज नाइदर एट द बॉटम नॉर एट द टॉप, बच्ची वहाँ पर बैठना इसलिए पसंद करती है क्योंकि ना ही ये सबसे नीचे है और ना ही ये सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द स्टेयर वेयर द चाइल्ड सिट्स, जहाँ बच्ची बैठती है उसके बारे में स्पेशल क्या है, विशेष क्या है? तो बच्चों, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फनी थॉट्स गो थ्रू हर माइंड व्हाइल शी सिट्स देयर, दैट इज स्पेशल अबाउट द स्टेयर वेयर द चाइल्ड सिट्स। सभी प्रकार के फनी थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं जब वो वहाँ पर बैठती है, इसलिए दैट इज स्पेशल अबाउट द स्टेयर, इसलिए जहाँ पर वो बैठती है ये उसके उस जगह के बारे में विशेष है या उस जगह की विशेषता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वर्ड्स एंड पिक्चर्स आर गिवन, लुक एट द पिक्चर्स एंड गिव द राइमिंग वर्ड्स। सो बच्चों, फर्स्ट वन इज डाउन और इसका राइमिंग वर्ड है क्राउन। लुक एट द पिक्चर, क्राउन का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेयर, लुक एट द पिक्चर, अब आपको बच्चों पिक्चर देखकर स्टेयर का राइमिंग वर्ड यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट हेड, लुक एट द पिक्चर, हेड का राइमिंग वर्ड होगा लेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डाउन, डाउन का राइमिंग वर्ड होगा ब्राउन, पिक्चर में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेयर का राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है पिक्चर देखकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हेड, हेड का राइमिंग वर्ड है ब्रेड, ब्रेड यहाँ पर पिक्चर में दिया है। तो बच्चों, इस तरह से आपको सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं। और अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, राइट अबाउट दैट एरिया और प्लेसेस वेयर यू लाइक टू गो, ऐसे स्थान या एरिया के बारे में आपको लिखना है जहां आप जाना पसंद करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो गुड बाय चिल्ड्रन, सी यू सून।